हेलो एवरीवन। सो बच्चे, जैसा आपको पता है कि हम सीए फाइनल के एग्जाम के पर्पस के लिए एसए बेस केस स्टडीज को आजकल डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए दो दिन से मैं सेशन नहीं ले पाया था, लेकिन चलिए आज हम डिस्कस करेंगे एसए 250 पर। इससे पहले मैं ऑलरेडी एसए 210 कवर कर चुका हूं, 220 कवर कर चुका हूं, 230 कवर कर चुका हूं, 240 कवर कर चुका हूं। इनकेस अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो वे टू पिनकल के इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर आपको सीक्वेंस में ये सारे एसए बेस्ड जो केस स्टडीज आपके एग्जाम में आती हैं वो बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगी। इवन कि अगर आप इंटर में भी हो तो भी ये केस स्टडीज आपके लिए रेलिवेंट रहेंगी। इंटर हो या फाइनल हो, दोनों में एसए का जो कंटेंट है, यानी सपोज कि एक एसए 210 है या 220 है, वो जितना जैसा इंटर में सेम वैसा ही बेटा फाइनल में भी होता है। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आने की अप्रोच है वो दोनों ही लेवल पे आपकी चेंज हो जाती है। जब मैं इंटर लेवल की बात करता हूं तो एग्जाम में क्वेश्चन मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जब मैं फाइनल लेवल की बात करता हूं तो यहां पे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड कम होते हैं और यहां पर एग्जाम में आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वो ज्यादा पूछता है, और बच्चा जनरली स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो ठीक तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाता। मैंने शुरू में जब ये सीरीज को मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि बच्चा फाइनल लेवल पर ऑडिट के इस पेपर में क्या क्या गलतियां करता है और उन गलतियों को मुझे किस तरीके से सुधारना चाहिए, कैसे उनको एड्रेस करना चाहिए, कैसे मुझे इनको ओवरकम करना चाहिए, ये सारी बातें बच्चा मैंने उस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की थी। इनकेस अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं आपकी फाइनल की प्रिपरेशन में आपको एक बूस्ट मिलेगा, वो एक आपके लिए बूस्टर का काम करेगा और तैयारी आपकी बहुत ज्यादा और इफेक्टिव मैनर में निकल के आएगी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसए 240 पर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। ज्योति चौधरी जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ज्योति जी, कैसे हैं आप? हाँ सर, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मोस्टली बच्चों को एसए 250 का जो ऑब्जेक्टिव होता है पता ही नहीं होता कि आप ऐसे 250 में बेसिकली क्या काम कर रहे हो। मैं सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आर नोट्स अवेलेबल? बेटा नोट्स तो विमल जी, आपने जिस भी टीचर से क्लास ली है उसके नोट्स को प्लीज आप देख लीजिए। अगर क्लास किसी से भी नहीं ली है तो आईसीएआर का जो स्टडी मटेरियल है बेटा उसको आप देख लीजिए। मैंने कोई अपनी ओर से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के नोट्स नहीं बनाए, मैंने भी आईसीएआर के स्टडी मटेरियल को ही देखा है। बट मैंने फर्क यह करा कि जो क्वेश्चन जो कोई भी ऐसे होता है मैंने उसको इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर को वहां पे डिवाइड कर दिया था, और जो भी पास अटेम्प्ट क्वेश्चन हैं वो आपको हर जगह कॉमनली ही देखने को मिलेंगे। तो नोट्स को लेके आई थिंक आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए बात करते हैं कि जब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि 250 पर एज ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मोस्टली बच्चों को ये वाली बात पता नहीं होती। जैसे सपोज कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक हो सके तो बच्चे प्लीज मुझे आप यहां पर रिप्लाई करना, सर आपका क्वेश्चन बैंक है जो मेरी बुक है वो अपने आप में ही क्वेश्चन बैंक है, बिकॉज हर एक चैप्टर के एंड में मैंने जो भी पास अटेम्प्ट क्वेश्चन है अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो उसका आंसर मैंने वहां पर नहीं दिया, बट इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने वहां पर उसका प्रॉपर कैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन लिख के आनी चाहिए, उसका एक एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया हुआ मैंने वहां पर, वो सब कुछ मैंने बुक में ही कवर किया हुआ है। तो बुक अपने आप में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव है, मैंने अलग से कोई क्वेश्चन बैंक वहां पर डिजाइन नहीं किया। ज्योति जी, तो बात कर रहा था मैं 250 पर कि 250 पर मोस्टली बच्चों को ऑब्जेक्टिव पता नहीं होता। सपोज कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं एक कंपनी में ऑडिट करने के लिए जाता हूं और मुझे मालूम चलता है कि कंपनी ने सपोज किसी एक पर्टिकुलर लॉ या रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस किया हुआ है, जैसे कि सपोज की कंपनी में सपोज की कोई फैक्ट्री एक्ट था, उस फैक्ट्री एक्ट में जितने पॉइंट्स बनते थे कि आपकी फैक्ट्री में ये पॉइंट्स होने चाहिए, फैक्ट्री में उसका नॉन कंप्लायंस है, तो क्या नॉन कंप्लायंस के मिलने पर क्या मैं रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दूंगा? सपोज की कंपनी ने जीएसटी में कोई नॉन कंप्लायंस था, अब जीएसटी में कोई नॉन कंप्लायंस है तो क्या किसी भी एक्ट के नॉन कंप्लायंस के मिल जाने पर क्या मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी रिपोर्ट को मॉडिफाई करूंगा? हो सके तो बच्चे प्लीज मुझे आप यहां पर रिप्लाई करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुकेश जी, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए आप सब ध्यान से कि मैं किसी एंटिटी में ऑडिट करने के लिए जाता हूं, मुझे वहां पर किसी भी पर्टिकुलर लॉ या रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस मिलता है, तो जैसे ही मुझे नॉन कंप्लायंस मिलेगा तो क्या मैं इस ग्राउंड पर कि आपने इस एक्ट का नॉन कंप्लायंस किया हुआ है, क्या मैं सीधे इसी ग्राउंड पर रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता,
आप बच्चे प्लीज इस पॉइंट पर मुझे रिप्लाई करिए, क्या मैं इस पॉइंट पर रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता। शिवम पांडे जी कह रहे हैं सर नहीं, सर मैं इस ग्राउंड पर रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज मैं आपके यहां पर कोई लीगल कंप्लेंस चेक नहीं करने के लिए आया, मैं आपको कोई कंप्लेंस ऑडिटर नहीं हूं जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाली जितनी भी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है मैं उनकी नॉन कंप्लायंस थोड़ी रिपोर्ट करूंगा, वो मेरा काम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी लॉ आपके एप्लीकेबल हैं उनका नॉन कंप्लायंस, उनका नॉन कंप्लायंस कोई मैटेरियल इफेक्ट डाल सकता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। जैसे कि सपोज की जिस क्लाइंट के यहां पर मैं ऑडिट करने के लिए गया, मुझे दिखाई दिया कि इन्होंने अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है। अब इनके टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है, मैं इस ग्राउंड पर रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करूंगा। लेकिन टीडीएस की रिटर्न फाइल ना करने पर इसका मॉनेटरी इंपैक्ट क्या क्या पड़ सकता है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, मुझे उसका एक पॉसिबल इफेक्ट निकालना होता है कि अच्छा टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं कर रखी तो इतने इतने अमाउंट तक की पेनल्टी आपके ऊपर पड़ सकती है। वो पेनल्टी का अमाउंट अगर मैटेरियल होगा तो उस केस में मैं रिपोर्ट को मॉडिफाई करूंगा। यानी बेसिकली आपको पहले क्या करना होता है, मेरे ऊपर जितने यानी एंटिटी के ऊपर जितने भी लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल हैं, मुझे देखना है कि क्या एंटिटी ने उसका कंप्लायंस प्रॉपरली किया है या नहीं किया। और अगर मुझे कोई नॉन कंप्लायंस मिलता है तो नॉन कंप्लायंस के मिल जाने पर आपका काम खत्म नहीं होता। नॉन कंप्लायंस के मिल जाने पर मुझे अब यह देखना होगा कि इस नॉन कंप्लायंस का एक पॉसिबल इफेक्ट क्या निकल के आ रहा है ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर किसी भी लॉ या रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक मैटेरियल इफेक्ट डाल रहा होगा तब उस केस में मैं वहां पर रिपोर्ट को मॉडिफाई करता हूं। हाँ, पहले मैं मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करता हूं एसए 450 लगाते हुए कि प्लीज इन चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप एडजस्ट करिए। इनकेस मैनेजमेंट कर देता है तो ठीक, और अगर नहीं करता है, चीजें मैटेरियल निकल के आ रही हैं, तब उस केस में अल्टीमेटली मैं रिपोर्ट को मॉडिफाई करने का डिसीजन लेता हूं। आई थिंक आप सब बच्चों को इतनी बात समझ में आ रही है। एसए 250 पर सर क्वेश्चन किस तरीके का होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां पे ज्यादा होते हैं? तो जैसा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एसए 240 के ऊपर, वहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन केवल दो या तीन बार ही मुझे वहां पर देखने को मिला था। लेकिन 250 में इसका रिवर्सल है, 250 में इसका रिवर्सल है। 250 में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां पर ऑलमोस्ट ना के बराबर। हालांकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं पूछे गए 240 में, तो मैं कह सकता हूं कि हर एक अटेम्प्ट में 240 पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, फिक्स नहीं है, इनके प्रीवियस अटेम्प्ट में 240 पर क्वेश्चन नहीं लगा हुआ था तो इस अटेम्प्ट में 240 पर क्वेश्चन लगने के चांस क्या होंगे बेटा, वो ज्यादा होंगे। तो 240 तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है और केस स्टडी बेस्ड अप्रोच पे ही करना है। बट 250 की बात करें, एक छोटा सा ऐसे है और इसके अंदर एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां पर इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते। चलिए, तो मैं एसए डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं ये मानते हुए ये एक सेशन ले रहा हूं आपके कि आपके एसए के बारे में ऑलरेडी पता है, मैं सीधे यहां पर केवल इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर जो केस स्टडी बेस्ड होते हैं वो डिस्कस करूंगा। हाँ, इनकेस क्वेश्चन कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होगा वो मैं बच्चे यहां पर डिस्कस करूंगा आपसे। चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कमेंट ऑन फॉलोइंग इन रिलेशन टू एसए। और क्वेश्चन था मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन। बात तो ठीक है, एक एंटिटी के ऊपर जितने भी लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं उनकी कंप्लायंस को एंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑलवेज 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 दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। एज ऑडिटर मेरी जिम्मेदारी क्या होगी? मेरी जिम्मेदारी नॉन कंप्लायंस को ढूंढना, लेकिन ढूंढने पर ही नॉन कंप्लायंस मिल गया तो सीधे रिपोर्टिंग की बात नहीं करनी आपने। नॉन कंप्लायंस के मिल जाने पर मेरा अगला स्टेप क्या होगा? उसका मॉनेटरी इफेक्ट निकालना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू पर इस नॉन कंप्लायंस का क्या असर पड़ रहा है। इनके साथ को नॉन कंप्लायंस मिल जाती है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू पे क्या असर पड़ रहा है वो आप निकाल नहीं पा रहे हो, तो बेटा इस केस में मैं कहूंगा आपके पास सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। अगर मैं नॉन कंप्लायंस के मिल जाने पर कभी भी रिपोर्ट को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं करूंगा। आप दो स्टेप में अपना रोल यहां पर फिक्स कर सकते हो। मेरा पहला रोल क्या होगा? जो नॉन कंप्लायंस है वो देखना, और नॉन कंप्लायंस को देखने के बाद इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू पे क्या असर निकल के आ रहा है मुझे उसे देखना होगा। क्लियर है यहां तक? हाँ। अब बताए सर, मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन, बात तो क्लियर है,
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह क्वेश्चन सपोज एग्जाम में चार नंबर के लिए अगर आ जाता है, फोर मार्क्स के लिए, तो इस केस में आप क्या लिख के आएंगे? क्या मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों को लेकर? मुझे प्लीज अगर हो सके बच्चे यहां पर रिप्लाई करना। ज्योति जी हाय सर, हाँ हेलो बच्चा कैसे हो, तो मुझे इस जगह पर रिप्लाई करिए कि क्या एसए के अंदर मैनेजमेंट रोल क्या होगा, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्या ये वाली बातें एसए के अंदर बताई जाती हैं या नहीं बताई जाती? मुझे इस जगह बेटा आप यहां पर प्लीज रिप्लाई करेंगे कि मैनेजमेंट की क्या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जो होती है क्या वो एसए के अंदर बताई जाती हैं या नहीं बताई जाती। मुझे बच्चे प्लीज हो सके तो इस पॉइंट पर रिप्लाई कर दीजिए, क्या मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में बताई जाती हैं या ऑडिटर की जिम्मेदारियां क्या होंगी जब आप ऑडिट करने के लिए जाएंगे, ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो यहां पर आती है, सोच समझ के बताइए। हाँ यस सर, हेलो सर, बेटा सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन कराए, आगे से थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखना। पहले मैंने टाइमिंग 7:30 का रखा था, लेकिन अब जब भी मैं लाइव आऊंगा वो 7 बजे का ही होगा। कोशिश करूंगा कि हर दिन लाइव आऊं, बट इनकेस जैसे 2 दिन मैं पीछे लाइव नहीं आ पाया, कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि लाइव आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, आगे से जो भी मैं लाइव रहूंगा वो 7 बजे के लिए रहूंगा। ज्योति जी कह रही सर बताई जाती है, नहीं बच्चे मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां क्या होंगी ये वाली बातें एसए नहीं बताएगा, बिकॉज हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ऑडिटर की जिम्मेदारियां क्या होंगी जब आप ऑडिट करने के लिए जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, वो जिम्मेदारियां एसए में होती हैं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों का कुछ रेफरेंस तो हो सकता है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों के रेफरेंस आ सकते हैं, बट कभी भी स्टैंडर्ड मैनेजमेंट का रोल सेट नहीं कर सकते। और 250 में बताया है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां होती हैं एंटिटी के ऊपर जितने भी लॉ एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है उनकी कंप्लायंस को एंश्योर करने के लिए, और ये कंप्लायंस मैनेजमेंट जनरली कैसे एंश्योर कर देता है वहां पर कुछ बातें मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों की बताई गई हैं, लेकिन एसए बेटा उनकी जिम्मेदारियां फिक्स नहीं कर रहा। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मैनेजमेंट का जो भी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एसए उन्हें फिक्स नहीं करता, एसए केवल क्या काम करेगा उनका रेफरेंस लेके आ सकता है, और इस एसए में मैनेजमेंट के रोल का रेफरेंस दिया गया है। तो यहां पर जो हम अपना आंसर देके आएंगे वो नो डाउट 250 के रेफरेंस से ही देके आएंगे, और वहां पर बताया गया कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि एंटिटी के ऊपर जितने भी लॉ एप्लीकेबल हैं उनकी मॉनिटरिंग करे, यानी देखे ही कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हैं, फिर उनकी लीगल कंप्लायंस को एंश्योर करने के लिए जो भी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं वो डिजाइन करे। जैसे इनकम टैक्स एप्लीकेबल है, अब इनकम टैक्स एप्लीकेबल है तो इसमें मुझे देखना होगा कि कौन कौन सी लीगल कंप्लायंस मुझे करनी है। कोई पेमेंट करना है तो टीडीएस कटना चाहिए, टीडीएस कट रहा है तो टीडीएस डिपॉजिट भी आपको होना चाहिए, टीडीएस की रिटर्न फाइल प्रॉपरली आपकी होनी चाहिए, फिर एडवांस टैक्स आपका डिपॉजिट होना चाहिए, फिर आपकी आईटीआर फाइल होनी चाहिए, आपके अगर टैक्स ऑडिट में अगर आप फॉल कर जाते हो तो टैक्स ऑडिटर मुझे अपॉइंट करना चाहिए। ये सारी लीगल कंप्लायंस कहां से आ रही है, इनकम टैक्स एक्ट से। तो मुझे देखना होगा कि मेरे ऊपर कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल है और उस एक्ट की कौन कौन सी कंप्लायंस मुझे इंश्योर करनी है, इट इज कॉल्ड एज मॉनिटरिंग। देयर आफ्टर डिजाइन ऑपरेशनल एस्पेक्ट कि कौन टीडीएस काटेगा, कौन टीडीएस की रिटर्न जमा करवाएगा, कौन एडवांस टैक्स कंप्यूट करेगा, कौन एडवांस टैक्स का पेमेंट करवाएगा, कौन टैक्स ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को इंश्योर करेगा, सारी जिम्मेदारियां बटेंगी, ऑल दीज आर ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स। फिर अपने स्टाफ को जिनको अपडेट करना है उनको ट्रेनिंग दीजिए। सपोज कि जब पहले वैट हुआ करता था तब उस केस में आपका स्टाफ था, फिर जीएसटी आ गया, तो क्या नए एक्ट के आने पर अपना पुराना स्टाफ निकाल दोगे? या जब जब एक्ट में चेंजेस है, अमेंडमेंट आती है, तो आप अपने स्टाफ को अपडेट करेंगे, उनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे कि पहले कुछ ये लीगल कंप्लायंस थी बट ये अमेंडमेंट आया है, आगे से इन बातों का ध्यान रखना है। वहां पे आपको लीगल कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं उन चीजों को लेके आपको अपने स्टाफ को ट्रेन करना होगा। फिर आपको अपने इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करने होंगे ताकि कोई लीगल कंप्लायंस आपसे मिस ना हो जाए, और अप टू डेट रजिस्टर्स वगैरह आपको मेंटेन करने चाहिए। फिर आप अगर हो सके तो अपने एंड पर एक इंटरनल कंट्रोल इस तरह का आप लगा सकते हो कि मैं इंटरनल ऑडिटर जो होगा उसके स्कोप में ये बातें कवर कर सकता हूं। सर प्लीज आप चेक करिए कि एंटिटी के ऊपर कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है और क्या एंटिटी उनका प्रॉपर कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही, कुछ इस तरीके के कंट्रोल आप डिजाइन कर सकते हैं। तो 5 या 6 पॉइंट आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो, उसका मैं वैसे कोड क्लास में देता हूं, मोटी रजिस्टर। तो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, ऑपरेशनल एस्पेक्ट, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करना, और अल्टीमेटली अप टू डेट रजिस्टर्स को मेंटेन करना। तो आज के सिनारियों में जो प्रेजेंट अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो फाइनल लेवल का जो केस स्टडी आती है वो अब इतनी हल्की फुल्की क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे,
इस लेवल का क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि या इंटर लेवल पे बच्चा एक्सपेक्ट कर सकता है, बट फाइनल लेवल पे जैसा क्वेश्चन नंबर वन मुझे दिखाई दे रहा है कि मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन, इस तरीके का क्वेश्चन आज के टाइम पर आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चलिए कुछ कमेंट में पढ़ लेता हूं बेटा यहां पर। सर आई वॉन्ट टू नो डिटेल्स फॉर योर बुक फॉर सी ए फाइनल एंड न्यू सिलेबस, हाउ मेनी बुक विल बी प्रोवाइडेड एंड वॉट विल बी इंक्लूडेड इन दिस बुक। तो अमित कुमार जी, मैं टोटल 3 बुक प्रोवाइड कराता हूं। आपका मेन टेक्स्ट बुक जो होता है वो 2 वॉल्यूम में होता है, और एक मिलती है आपको इसके अलग एक एमसीक्यू। जो 2 मेन बुक आपको मिल रही है टेक्स्ट बुक, इसमें पूरा जो भी आपका कंटेंट है चैप्टर का वो समाया हुआ है, और उसके बाद में ही कह सकते हो कि क्वेश्चन बैंक हर चैप्टर का सेपरेट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। उसमें अगर चलिए अगर मुझे शायद मैं सेशन के बाद में शायद कुछ आपको जो बुक का प्रिंट आउट है शायद मैं उसको स्क्रीन पर आपको दिखा दूं। उसमें यह कि कोई जैसे सपोज कि पीई एक चैप्टर है आपका प्रोफेशनल एथिक्स, तो उसमें किसी भी क्लॉज पर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनको क्लॉजेस वाइज सेट किया गया है वहां पर। और केवल ये नहीं, क्वेश्चन लिखने के बाद हिंट बता दिया गिल्टी और नॉट गिल्टी, शॉर्टकट नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन केस स्टडी बेस हैं सारे क्वेश्चन वहां पे डिस्कस किए गए। हाँ, कोई क्वेश्चन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है केस नहीं है तो फिर मैंने वहां पे उसका आंसर नहीं दिया हुआ, बट कोई भी क्वेश्चन जो केस स्टडी बेस है या हटके पूछा गया है उसका आंसर आपको बुक में ही देखने को मिल जाता है। पूरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, उसमें आरटीपी की कवरेज आपको देखने को मिलती है, मॉक टेस्ट पेपर आपको कवरेज देखने को मिलता है, पास अटेम्प्ट जो क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ वहां पर आपको देखने को मिलता है। टोटल 3 बुक वहां पे प्रोवाइड की जाती हैं। ओके सर, सर गिव योर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, मैंने पहले भी कई बार दिया है फिर भी चलिए नोट कर सकते हो आप, 8178701058, 8178701058। किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक पर डाउट हो, चाहे आपने मुझसे क्लास ली हो या ना ली हो, आप कभी भी बेटा मुझसे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हो। कॉल का टाइम थोड़ा सा 9 बजे के बाद, रात को 9 बजे के बाद ही प्रिफर करना, अदरवाइज अगर आप चैटिंग करना चाहते हो व्हाट्सएप पे डिस्कस करना चाहते हो तो 9 बजे के बाद आप कभी भी या दिन भर में कभी भी आप अपनी क्वेरी ड्रॉप करिए, रिप्लाई मैं आपको रात को 9 या 10 बजे के बाद कर दूंगा। चलिए, व्हाट इज द प्राइस फॉर योर पेन ड्राइव क्लास आइदर रेगुलर और फास्ट ट्रैक। बेटा प्राइस के बारे में मैं बोलूंगा कि आप वे टू पिनाकल www.waytopinnacle.com वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, क्लासेस की सारी जानकारी वहां पर आपको डिटेल में अवेलेबल होगी। मॉनिटरी रजिस्टर एंड यू पिंपल्स, अरे आपने तो आगे एडवांस में पॉइंट बोल दिया, कम फर्स्टिंग इन माइंड स्टडीज इन आईपीसीसी फ्रॉम यू सर। ओके, तो यू पिंपल जो है अनऑथराइज पिंपल वाला पॉइंट जो था वो एग्जाम में 2 बार मतलब इंटर में भी और फाइनल में भी ये क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा खासा पूछा गया है। इस बच्चे ने जो पॉइंट कहा है यू पिंपल्स वाला, वो बच्चा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर बोल रहा है, क्वेश्चन 2 एग्जाम में फाइनल लेवल पर या इंटर लेवल पर आप इस तरीके का क्वेश्चन आज के टाइम पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट दिखाई दे रहा है जैसे 8 नंबर का ना, आज के टाइम पर 8 नंबर का नहीं, आज के टाइम पर मैक्सिमम अगर पूछा गया तो 4 नंबर का, इससे ऊपर की बेटा कवरेज यहां पर नहीं होगी, इससे ऊपर की कवरेज यहां पर नहीं होगी। With reference to essay 250, give some example or matter indicating to the auditors about non-compliance with the law and regulation by the management. Basically, इसके answer में आपको बताने हैं कुछ indicators, यानी कुछ indicators कि ऐसा अगर दिखाई दे तो कहीं ना कहीं आपका माथा ठनकना चाहिए कि आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि इस जगह पर non-compliance के मामले हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कहीं धुआं उठता हुआ दिखाई दे तो कहीं ना कहीं सोच सकता है कि शायद कहीं ना कहीं आग लगी होगी। तो अगर ऐसा कुछ दिखाई दे, इंडिकेटर है, तो कहीं ना कहीं बेटा अलर्ट रहिए कि इस जगह पर आपको कोई नॉन कंप्लायंस देखने को मिल सकती है। बेसिकली वो यहां पे आपसे नॉन कंप्लायंस के इंडिकेटर्स पूछ रहा है। जैसे कि अगर सपोज कि अनयूजुअल कैश पेमेंट अगर आप किसी को करते हो, अनयूजुअल कैश पेमेंट या कैश ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर रखी है बट सपोर्ट में प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कहने के नॉन कंप्लायंस का इंडिकेटर है। या पेमेंट करते हो टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर, या पेमेंट करते हो लेकिन दिखाई दिया कि जो प्राइस आप पे कर रहे हो वो जो आप अमाउंट है जो मार्केट प्राइस है उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा है, क्लाइंट में अगर क्लाइंट के अगर मीडिया में एडवर्स मीडिया कमेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेटर है। कोई शो कॉस्ट नोटिस क्लाइंट को इश्यू हो जाता है, कहीं ना कहीं बेटा ये इंडिकेटर है। तो कुछ ऐसे इंडिकेटर एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार इंडिकेटर्स को मैं आपको एक बार रीड भी करा देता हूं, क्वेश्चन मैंने यही डिजाइन कराया है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो बच्चे यहां पर,
विद रेफरेंस टू एसेट 250 गिव सम एग्जांपल और मैटर इंडिकेटिंग टू ऑडिटर अबाउट नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन बाय द मैनेजमेंट. नाउ एज पर एसेट 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स और मैटर इंडिकेटिंग टू द ऑडिटर अबाउट नॉन कंप्लायंस विद द लॉ. ये कुछ एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है. बट ट्राई ये करना कि अगर एग्जाम में आ जाए तो यही पॉइंट लिख के आ जाओ, बिकॉज ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे 250 में दिए गए. अगर एग्जाम्पल किसी SA का होता है तो ट्राई ये करना बेटा कि आप सेम वही एग्जाम्पल लिख के आ जाओ. जैसे 240 में भी फ्रॉड को लेकर एक्सप्लेन करने के लिए SA के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए. तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछता है किसी SA के रेफरेंस से, तो आपको सेम वही एग्जाम्पल पॉसिबल अगर हो सके वही लिख के आना चाहिए जो एग्जाम्पल स्टैंडर्ड में दिए गए. जैसे कि अनयूजुअल कैश पेमेंट, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन और इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, अनयूजुअल पेमेंट टुवर्ड्स लीगल एंड रिटेनरशिप फीस, पेमेंट इन फॉरेक्स विदाउट सफिशियंट डॉक्यूमेंट, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड अदर देन द कंट्री फ्रॉम विच गुड्स और सर्विसेज आर ओरिजिनेटेड. कि आपने जहां से इंपोर्ट करा है पेमेंट उस कंट्री को नहीं जा रही है, पेमेंट आप करते हो टैक्स हेवन कंट्रीज को, परचेज करते हो आप मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा पे या काफी कम के प्राइस पर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कोई इन्वेस्टिगेशन एंटिटी में कराई है, एडवर्स मीडिया कमेंट आ रहे हैं, एंटिटी अपने एंड पर फाइन एंड पेनल्टीज का पेमेंट करती है, लिटिगेशन मैटर्स कंपनी के खिलाफ एंटिटी के खिलाफ बहुत ज्यादा आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शंस की जा रही हैं, अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस की जा रही हैं और सिग्निफिकेंट अमाउंट पर हैं, रिलेटेड पार्टीज के साथ हो रही हैं, और शो कॉज नोटिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इश्यू किया हुआ है. तो यहां पर मैं जनरली एक हिंट देता हूं बच्चों को याद करने के लिए, कोड देता हूं कि अनयूजुअल एंड अनऑथराइज्ड पिंपल्स, अनयूजुअल एंड अनऑथराइज्ड, अनयूजुअल एंड अनऑथराइज्ड से आपके दो पॉइंट बने. पी से कुछ पेमेंट्स बताई गई हैं, आई से है इन्वेस्टिगेशन, एम इज फॉर एडवर्स मीडिया कमेंट, फाइन एंड पेनल्टीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन, लिटिगेशन के मैटर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन की जा रही है, एंड शो कॉज नोटिस यहां पर इश्यू होता है. तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में उम्मीद कर सकते हो कि हाँ शायद पूछ ले. लेकिन मैं फिर बोलूंगा बेटा, कवरेज पहले 8 नंबर का था, अब ये 4 नंबर से ऊपर का नहीं बनेगा. कुछ कमेंट में यहां पर देख लेता हूं आगे. सर योर वे ऑफ टीचिंग इज रियली गुड, थैंक यू फॉर टेकिंग सच लाइव सेशन, वेलकम बच्चे. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 को देखा अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखता हूं अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. स्टेट ब्रीफली द कम्युनिकेशन या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एज पर एसेट 250 ऑन नॉन कंप्लायंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जनरली बात कर लो तो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वहां पर रिपोर्टिंग को लेकर या तो कोई केस स्टडी पॉसिबल है, या फिर रिपोर्टिंग को लेकर क्वेश्चन आपके MCQ टाइप के बन सकते हैं. लेकिन मुझे 2 SA ऐसे दिखाई देते हैं जहां पर रिपोर्टिंग पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉसिबल है. मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं. रिपोर्टिंग पर नो डाउट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पॉसिबल है, लेकिन बात करते हैं सर क्या रिपोर्टिंग पर क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पॉसिबल है. तो मैं कहता हूं 2 ऐसे SA है जहां पर मेरा मन यह कहता है कि हाँ इन SAs पर रिपोर्टिंग को लेकर सब्जेक्टिव यानी डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पॉसिबल है, और वो 2 SA में बोलता हूं, एक तो SA 250 और एक SA 570. 570 is for going concern, और 250 जो हम डिस्कस कर रहे हैं consideration of law and regulation in an audit of financial statement. अब 250 में जब मैं reporting की बात करता हूं कि मैं एक entity में audit करने के लिए गया और मुझे कुछ non-compliance मिल गए, मुझे कुछ non-compliance मिले, तो 3 level पर reporting की बात की जाती है. एक तो होती है reporting to those charged with governance, एक है reporting in auditor's report, और एक है आपकी रिपोर्टिंग टू दी एनफोर्समेंट अथॉरिटी या रेगुलेटरी अथॉरिटी. ये 3 लेवल पर आपकी रिपोर्टिंग है. और सेम इसने ये बोल दिया कि टू दी मैनेजमेंट, यहां पर मैनेजमेंट का जो मतलब होगा इट इज फॉर TCWG. एक टू द यूजर्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ये जो रिपोर्टिंग है इट इज इन योर ऑडिट रिपोर्ट. एंड द थर्ड वन इज टू द रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी. अगर ये यहां पर बेटा ABC ना भी कहता तो भी आपके आंसर में इन तीनों की रिपोर्टिंग अलग अलग ही लिख के आनी थी. ये तो भला मानो बेटा इस एग्जामिनर का जिसने पेपर सेट किया होगा कि इसने 3 जगह रिपोर्टिंग का आपको हिंट दे दिया. अगर ना भी देता तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का एग्जाम में डिजाइन हो सकता है.
क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, जैसे अगर मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊं तो ये SA 250 जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले बता दिया स्कोप ऑफ दिस SA, इफेक्ट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, इस SA में क्या क्या है डेफिनेशन वो देखी। इसके बाद अब मैंने इस SA को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर डिजाइन कर दिया। मोस्टली जितने भी SA हैं मैंने उसको अपनी बुक के अंदर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर डिजाइन किया हुआ है, बिकॉज मुझे पता है कि एग्जाम में पूरा SA की समरी आपसे नहीं पूछेगा। और एक प्रॉब्लम आपके साथ यह है कि आप जब SA पढ़ते हो ना कहीं आप उसकी समरी को प्रीफर करते हो। मत कीजिए कभी भी, यह हमेशा आपको नुकसान देगा, आपको हमेशा हार्म करेगा। स्टैंडर्ड जब भी आप पढ़िए उसमें आप देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पॉसिबल हैं एग्जाम में। अगर वो क्वेश्चन भी आप तैयार कर लेते हो तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। बट आप कहने के SA में मैं देखता हूं कि आप शॉर्टकट ले लेते हो, आप समरी को पढ़ लेते हो, समरी पढ़ के आपको एक SA का ओवरव्यू तो मिल जाता है, और ओवरव्यू के मिल जाने पर आप ऐसा समझते हो कि मुझे स्टैंडर्ड ये भी आ चुका है। बट प्रॉब्लम ये है बेटा, एग्जाम में ये नहीं आता किसी की कोई इसी SA के अंदर क्या बताया गया एक समराइज वे में आप लिख दो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में क्वेश्चन या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है या केस स्टडी है। केस स्टडी भी है तो अगर आपने क्वेश्चन आंसर वे में SA तैयार कर रखा होगा तो बिलीव मी केस स्टडी को आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आ सकते हो। जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर वन, कमेंट ऑन द फॉलोइंग इन रिलेशन टू SA, मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं तो डिस्कस ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पर मैनेजमेंट का यहां पर ऑडिटर का रोल डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर थ्री, विद रेफरेंस टू SA 250 गिव सम एग्जांपल और मैटर इंडिकेटिंग टू द ऑडिटर अबाउट नॉन कंप्लायंस ऑफ द लॉ एंड रेगुलेशन बाय द मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर फोर, जब आपको कुछ नॉन कंप्लायंस मिल जाती हैं, जब ऑडिटर आपको कुछ नॉन कंप्लायंस मिल जाती हैं तब उस केस में आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं आगे। डिस्कस ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज इफ ही बिकम्स अवेयर ऑफ इंस्टांसिस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन। एंड द लास्ट वन इज डिस्कस ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू रिपोर्टिंग ऑन नॉन कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन। तो इस समय जो हम क्वेश्चन नंबर थ्री देख रहे हैं वो ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है कि वो सीधे आपसे रिपोर्टिंग पूछे। उस क्वेश्चन में तो हिंट था रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, रिपोर्टिंग टू द रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी, वहां पे हिंट था कि तीन जगह पे रिपोर्टिंग है। बट मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन जैसा मैंने ड्राफ्ट किया हुआ है यहां पर ऐसा भी आ सकता है। तो पता होना चाहिए कि नॉन कंप्लायंस के हो जाने पर मिलने पर मुझे तीन लेवल पे रिपोर्टिंग करनी होती है। एक है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, एक है आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, और तीसरा है रेगुलेटरी या फिर एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को। चलिए अगर कोई मुझे बता सकता है बच्चे प्लीज रिप्लाई कर सकता है तो बताइए इस जगह पर, दोस चार्ज विद गवर्नेंस को आप क्या रिपोर्ट करते हो, दोस चार्ज विद गवर्नेंस को या फिर आप कब रिपोर्ट करते हो, दोस चार्ज विद गवर्नेंस को कब आप नॉन कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन वाले मामले आप रिपोर्ट करते हो, कुछ बता सकते हो तो प्लीज बता दीजिए। बता सकते हो बच्चे तो प्लीज बता दीजिए। मैं ज्यादा तो नहीं, मैक्सिमम 30 सेकंड के आसपास आपके रिप्लाई का वेट करूंगा, मैक्सिमम 30 सेकंड्स, कि कब आप लॉ एंड रेगुलेशन के मामले दोस चार्ज विद गवर्नेंस को रिपोर्ट करते हो, मालूम चल जाएगा कि आपने इस SA को कितनी गहराई से पढ़ा हुआ है। तो जुलाई 21 में SA 250 का केस स्टडी बेस क्वेश्चन आया था विच वॉज वेरी टफ, कैन यू एक्सप्लेन दैट। वो बेटा मैंने अभी ना इस बुक में उसको अपडेट नहीं किया होगा, लेकिन इतना प्रॉमिस है नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट सेशन लूंगा SA 260 पर मैं 250 वाला केस आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। बिकॉज इस अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आए थे उसको मैंने अभी बुक के अंदर अपडेट नहीं किया हुआ, लेकिन 260 वाला जब मैं पार्ट डिस्कस करूंगा आपसे तब मैं 250 में जो क्वेश्चन पूछा गया था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वो उसको मैं आपके साथ इस लाइव सेशन में पक्का मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। When management not respond, नहीं ज्योति जी सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर नॉन कंप्लायंस का मामला मैटेरियल है यानी कि मैटेरियल नॉन कंप्लायंस है दोस चार्ज विद गवर्नेंस को आप रिपोर्ट करेंगे। अगर नॉन कंप्लायंस मैटेरियल नहीं है बट इंटेंशनल है, मैनेजमेंट ने जानबूझकर किया था तो रिपोर्ट करना होता है। यानी जो भी मैटेरियल नॉन कंप्लायंस है वो तो हमेशा रिपोर्ट करनी है, इसके अलावा जितनी भी नॉन कंप्लायंस मैनेजमेंट ने इंटेंशनल कर रखी थी तो फिर मुझे नहीं देखना कि वो मैटेरियल है या नहीं, वो मामले आपको दोस चार्ज विद गवर्नेंस को रिपोर्ट करने हैं। इन केस मुझे ये दिखाई देता है कि दोस चार्ज विद गवर्नेंस ही इस नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व है
तो फिर मुझे जो नेक्स्ट लेवल है या हायर अथॉरिटी है, जस्ट लाइक की सुपरवाइजरी बोर्ड है, मुझे वहां पर रिपोर्ट करना चाहिए। बट अगर एंटिटी में कोई सुपरवाइजरी बोर्ड टाइप का या कोई हायर अथॉरिटी नेक्स्ट लेवल एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में कहीं ना कहीं आपको डिटरमाइन करना चाहिए कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। यहां पर आप लीगल एडवाइजरी ले सकते हो। एक बार मैं इसका आंसर आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूं। रिपोर्टिंग टू दोस चार विद गवर्नेंस इफ नॉन कंप्लायंस इज इंटेंशनल और मैटेरियल, यानी मैटेरियल है तो रिपोर्ट करूंगा, इंटेंशनल है तो भी आप रिपोर्ट करेंगे, शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली। बट इफ टीसीडब्ल्यूजी इज इन्वॉल्व देन कम्युनिकेट टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी ऑफ द एंटिटी, अगर एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है लाइक सुपरवाइजरी बोर्ड। लेकिन अगर कोई हायर अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती या ऑडिटर श्योर नहीं है कि किसको कम्युनिकेट करे, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कम्युनिकेशन पे कोई एक्शन नहीं होगा, तीन सिचुएशन है। अगर कोई हायर अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, या मैं श्योर नहीं हूं कि किस लेवल पे कम्युनिकेट करना चाहिए, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कम्युनिकेशन पे कोई एक्शन नहीं आएगा, तो उस केस में ऑडिटर शैल कंसिडर टू द नीड टू ऑब्टेन लीगल एडवाइस। फिर आपको सोचना चाहिए कि क्या इस जगह पर मुझे लीगल एडवाइस लेनी है या नहीं लेनी। तो ये तो हुआ आपका रिपोर्टिंग टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस। रिपोर्टिंग इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये क्लियर है कि अगर नॉन कंप्लायंस है, नॉन कंप्लायंस का जो इंपैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, अगर वो मैटेरियल है, नॉन कंप्लायंस मिली लेकिन नॉन कंप्लायंस के बाद मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इसका इंपैक्ट निकालना था, क्या है मैटेरियल और नॉट मैटेरियल, इमैटेरियल। इफ इट इज मैटेरियल तो दो बातें हैं कि या तो वो परवेसिव होगा या नहीं होगा। परवेसिव है तो एडवर्स चला जाएगा, परवेसिव नहीं है तो मैं रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे नॉन कंप्लायंस तो मिला लेकिन मैं इसका पॉसिबल इफेक्ट डिटरमाइन नहीं कर पा रहा कि किस तरीके से ट्रू एंड फेयर व्यू पे अपना इंपैक्ट डालेगा, मैं ये चीज डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, यहां पर मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, तो या तो रिपोर्ट को बेटा इस केस में आप करेंगे डिस्क्लेमर, या इस केस में आप देखे आएंगे क्वालिफाइड ओपिनियन। इन ऑडिट रिपोर्ट इफ ऑडिट इफ नॉन कंप्लायंस इज मैटेरियल एंड अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन एज पर एसए 705। If auditor is precluded, यानी कि prohibited by management or those charged with governance from obtaining sufficient and appropriate audit evidence to evaluate whether non-compliance that may be material to the statement or is likely to have, the auditor shall express qualified or disclaimer of opinion. And if auditor is unable to determine whether non-compliance has occurred because of limitation, मुझे मैं non-compliance के मामले नहीं ढूंढ पा रहा, because management ने मेरे काम के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन या कोई और कारण रहा हो, तो भी मेरे पास एविडेंस तो नहीं है, तो उस केस में भी या तो डिस्क्लेमर होगा या रिपोर्ट आप क्वालिफाई करके आएंगे, तो या तो आपको इसका इफेक्ट निकालना है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एस पर एसए 705, और यहां पर भी या तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर जाएगा। एंड द लास्ट वन इज टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी और एनफोर्समेंट अथॉरिटी। अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है कि नॉन कंप्लायंस के मामले आपको रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी को कम्युनिकेट करना है, तो ही आप कम्युनिकेट करेंगे, तो ही आप कम्युनिकेट करेंगे। यहां पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपके एंड पर गलती होने के चांस ज्यादा होंगे। जैसे मैं बैंकिंग कंपनी में ऑडिट करता हूं, वहां पे मुझे कुछ आरबीआई के प्रोडेंशियल नॉर्म्स का नॉन कंप्लायंस मिलता है, या एनबीएफसीज की आप ऑडिट करते हो जिनको रेगुलेट आरबीआई ही करता है, वहां पर मुझे नॉन कंप्लायंस के मामले मिलते हैं, तो उस केस में आरबीआई की रिक्वायरमेंट है कि आप मुझे बताइए, तो ये रिपोर्टिंग आपको आरबीआई को करनी होती है। अब सपोज कि मैं कंपनी में ऑडिट कर रहा था, ऐसा केस स्टडी एग्जाम में आ सकता है, मेरी बात सुना ध्यान से, मैं एक कंपनी में ऑडिट कर रहा था और मुझे वहां पर कंपनी एक्ट के नॉन कंप्लायंस के मामले मिल जाते हैं, नो डाउट कि मैं मैनेजमेंट को यानी टॉप लेवल को यहां भी कम्युनिकेट कर दूंगा, इसका एक पॉसिबल इफेक्ट निकाल के मैं इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी डील कर लूंगा। लेकिन बात यह है कि अब जब मुझे यहां पर नॉन कंप्लायंस के मामले मिले, तो ऑडिटर ने एक काम करा, इन नॉन कंप्लायंस को वो रिपोर्ट कर देता है, इन नॉन कंप्लायंस को वो रिपोर्ट करता है आरओसी को। एक कंपनी में ऑडिट करते हुए मुझे कंपनीज एक्ट 2013 के काफी सारे मामलों का नॉन कंप्लायंस मिला, और ऑडिटर ये सारे नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट कर देता है किसको, आरओसी को। देन टेल मी कि क्या ऑडिटर अपने इस अप्रोच पर सही है या गलत है। इस जगह बच्चे प्लीज आप मुझे यहां पर रिप्लाई करेंगे, ऑडिटर ने
ऑडिट करते हुए कंपनीज एक्ट के बेटा काफी सारे नॉन कंप्लायंस के मामले निकाले हैं, और वो ही सारे नॉन कंप्लायंस के मामले दो चार विद गवर्नेंस को रिपोर्ट कर देता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी डील कर देता है, लेकिन अब वो इन्हें कम्युनिकेट कर रहा है यहां पर आरओसी को। देन टेल मी, क्या ऑडिटर अपनी इस अप्रोच में सही है या नहीं? प्लीज बच्चे जल्दी से आप यहां पर रिप्लाई करिए, क्या ऑडिटर अपनी इस अप्रोच में सही है या नहीं है? नॉन कंप्लायंस के मामले, कंपनी एक्ट 2013 के नॉन कंप्लायंस के मामले ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है आरओसी को, आरओसी को, तो क्या ऑडिटर अपनी इस अप्रोच में सही है या नहीं है? चलिए, बाटली बॉय का कहना है यस, कि ऑडिटर अपनी अप्रोच में सही है। चलिए, और भी बच्चे प्लीज जल्दी से रिप्लाई करिए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। क्वेश्चन क्लियर है ना आप सबको? हाँ सर, क्वेश्चन क्लियर है कि नॉन कंप्लायंस के मामले हैं कंपनी एक्ट 2013 के, और ऑडिटर ने दोष चार्ज विद गवर्नेंस को रिपोर्ट किया है, ऑडिट रिपोर्ट में भी डील कर लिया है, अब ऑडिटर ये रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी रिपोर्ट कर रहा है, वो आरओसी को रिपोर्ट करने के लिए जा रहा है, क्या ऑडिटर अपनी इस अप्रोच में सही है या नहीं है? ज्योति जी का कहना है सर मे बी राइट, मे बी राइट, और भी बच्चे प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, मे बी राइट, मे बी राइट, ऑडिटर की अप्रोच गलत है, ऑडिटर की अप्रोच बिल्कुल गलत है। सर क्यों गलत है? मैंने शुरू में कहा था, इसे ध्यान से पढ़ना, इफ सो रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ देन ऑडिटर शैल रिपोर्ट सच कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस टू द रेगुलेटरी और एनफोर्समेंट अथॉरिटी। अगर रिक्वायरमेंट है, कंपनी एक्ट आपने पढ़ा है, वहां पर आपने ड्यूटीज ऑफ कंपनीज ऑडिटर भी पढ़ा है, मोस्टली ड्यूटीज आपकी सेक्शन 143 के अंदर समाई हुई हैं, कि वहां पर आपने कहीं पढ़ा है कि ऑडिटर नॉन कंप्लायंस के मामलों को आरओसी को रिपोर्ट करेगा? पूरी ऑडिट में बेटा कहीं पर भी नॉन कंप्लायंस के मामले आरओसी को रिपोर्ट करने के लिए आपको नहीं कहा गया। अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो ही बताना है, अगर लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है देन दोस चार्ज विद गवर्नेंस उनको आप बता दीजिए और ऑडिट रिपोर्ट में डील कर लो। अगर लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है और फिर भी आप बता के आ गए, अगर लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चे और फिर भी आप बता के आ रहे हो, कहीं ना कहीं आप यहां पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी हो जाते हो, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में, बिकॉज आप कॉन्फिडेंशियलिटी को लूज कर रहे हो। क्लाइंट की बातें क्या आप ऐसे ही किसी और को शेयर कर लेंगे? क्लाइंट की बातें अब कब आप किसी और के साथ शेयर कर सकते हो? या तो क्लाइंट ने परमिशन दी हो, या ऐसा करने की आपकी लीगल या प्रोफेशनल ड्यूटी बनती हो। क्लाइंट ने परमिशन दी थी, बोले बिल्कुल नहीं दी थी, क्या ऐसा करना, आरओसी को रिपोर्ट करना, आपकी कोई लीगल या प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है? बिल्कुल नहीं बनती, लीगल ड्यूटी नहीं है। अगर लॉ में लिखा हो तो बिल्कुल आप बता के आइए, बट लॉ में तो लिखा हुआ ही नहीं था, और जब लॉ में लिखा हुआ नहीं था फिर भी आप बता के आ रहे हो तो आपने यहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया है और आप यहां पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी हो जाएंगे। आरओसी को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ऐसी केस स्टडी की आप उम्मीद कर सकते हो 250 पर आपको देखने को मिल जाए, और मोस्टली बच्चे इसका आंसर गलत अटेम्प्ट करके आएंगे। एक चीज का बस दिमाग में आप फिक्स कर लेना, क्लियर कट क्या लिखा हुआ था, इफ सो रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट है अंडर एनी लॉ तो ही बताना है, लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं बताना। ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आरओसी को कम्युनिकेट करना, एग्जैक्टली मुझे नहीं बताना आरओसी को, मुझे नहीं बताना आरओसी को, लॉ की रिक्वायरमेंट है तो बताऊंगा, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पहले एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उससे पहले एक बार क्वेश्चन 5 और 6 देख लीजिए, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने पहले कहा था इस एसए पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज्यादा है। What are the role and responsibilities of statutory auditor in relation to the compliance with the law and regulation? तो इस SA ने basically क्या कर रखा है? Law and regulation को दो part में divide कर रखा है। एक वो law जिनकी non-compliance सीधा financial statement के ऊपर impact डाल देती है, और एक ऐसा law है जिनकी non-compliance financial statement के ऊपर सीधा effect नहीं डालती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि टीडीएस आपने काटना चाहिए था बट टीडीएस नहीं काटा, तो बताइए कि क्या इसका बुक्स में असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, टीडीएस नहीं काटा था। आपको एडवांस टैक्स जमा करना चाहिए था बट आपने एडवांस टैक्स डिपॉजिट नहीं कर रखा। ये सारी चीजें हैं जो सीधा बुक्स पे इंपैक्ट डालती हैं। लेकिन आपने सपोज रिटर्न जमा नहीं कराई, रिटर्न आप जमा भी कराओगे तो भी एंट्री पास नहीं होती,
और रिटर्न आप जमा नहीं कराओगे तो भी एंट्री पास नहीं होती। लेकिन रिटर्न के फाइल ना करने पर, रिटर्न के फाइल ना करने पर क्या होगा, इसकी पेनल्टी वगैरह जो आ सकती है वो बुक्स में आ सकती है। तो कुछ ऐसे नॉन कंप्लायंस हैं जो सीधा बुक्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आप पेमेंट कर रहे हो बट टीडीएस नहीं काट रहे हो, सीधा बुक्स के साथ बेटा कनेक्शन है। या आप क्या कर रहे हो इस जगह पर कि आप जीएसटी गलत रेट से आप चार्ज कर रहे हो, तो जीएसटी गलत रेट से चार्ज करना नॉन कंप्लायंस है, बिल्कुल नॉन कंप्लायंस है। और ये नॉन कंप्लायंस सीधा बुक्स के साथ जुड़ जाती है। ये ऐसे लॉ है जिनका सीधा असर बुक्स में है। लेकिन कुछ ऐसे नॉन कंप्लायंस जिनका सीधा असर बुक्स में नहीं होता बट उनका नॉन कंप्लायंस बुक को इफेक्ट कर देता है। तो दो तरह से ये एसए आपका रोल डिवाइड करता है, एक एसए लॉ जिनका सीधा असर होता है और एक ऐसे लॉ जिनका सीधा असर नहीं है। जिनका असर सीधा है वहां पर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप नॉन कंप्लायंस को लेकर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करेंगे। लेकिन ये देखने के लिए कि कंप्लायंस प्रॉपर हुई है या नहीं हुई, यानी वहां पर आपका काम बेसिकली कंप्लायंस को लेकर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करना होगा। और ऐसे लॉ जिनका सीधा असर नहीं होता है वहां पर बेसिकली क्या काम करना होगा आपको, नॉन कंप्लायंस के मामलों को ढूंढना आपका काम बनेगा। और लिमिटेड काम वहां पे आपको करना होता है, ज्यादा काम करना होता है ऐसे लॉ पर जिनका सीधा असर है, लिमिटेड काम करता हूं उन जगह पर जिनका सीधा असर मेरी बुक्स के ऊपर नहीं आता। इससे ज्यादा डिटेल में मैं क्वेश्चन 5 में नहीं जा सकता। 250 में आई थिंक बच्चे आपने पढ़ा हुआ होगा कि दो तरह से ये एसए लॉ एंड रेगुलेशन को लेकर मेरी ड्यूटी को डिफाइन कर देता है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 अगेन ये इंडिकेटर को लेकर है। एज एन ऑडिटर ऑफ टीआरपी लिमिटेड यू आर सस्पिशियस दैट देयर माइट बी नॉन कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन टू विच कंपनी इज सब्जेक्ट टू। इंडिकेट द पॉसिबल एरियाज और सस्पेक्टेड और एस्पेक्ट्स वेयर यू एंड हैव टू लुक आउट फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन एज टू वेदर सस्पिशन हैज टू सम बेसिस टू फर्दर इंक्वायरीज। तो ये बेसिकली इंडिकेटर्स हैं, जहां पर आपको ऐसे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं उस जगह पर आप फर्दर इंक्वायरी करना शुरू करते हो। तो कौन कौन से इंडिकेटर है जहां पर नॉन कंप्लायंस का एक आभास, एक आपको सस्पेक्ट है कि इस जगह पर नॉन कंप्लायंस हो सकता है, वहां पर आप इंक्वायरी करना शुरू कर देते हो। ये क्वेश्चन आपका इंडिकेटर को लेकर था। चलिए अब एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। सुनिए मेरी बात ध्यान से, क्या था, मैं एक कंपनी में ऑडिट करने के लिए गया और जब मैं कंपनी में ऑडिट कर रहा था तो मुझे दिखाई दिया कि यहां पर फैक्ट्री के अंदर चाइल्ड लेबर काम कर रही है, चाइल्ड लेबर। और जब मैंने इस मामले को डिस्कस किया कंपनी के मैनेजमेंट के साथ, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, या कह सकते हो कंपनी के एमडी के साथ, तो उन्होंने ये कहते हुए मेरा मुंह चुप करा दिया कि आप फाइनेंशियल ऑडिटर हैं, आपका काम केवल यह रिपोर्ट करने का है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर बताइए क्या हमारे यहां पर कोई मैटेरियल मिस स्टेटमेंट वगैरह आपको मिली। मैंने कहा सर मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो बोले सर जिस पॉइंट को लेकर आप मुझसे बात करने के लिए आए हो ना कि हमारे यहां पर चाइल्ड लेबर काम करती है, बोले ये चीज है ना आपके एरिया से बाहर है, इन चीजों को लेकर आप ऑडिट रिपोर्ट में लेकर नहीं आ सकते। अब मैं भी बेचारा चुप हो गया, मुझे भी थोड़ा बहुत उसकी बात तो लॉजिकली सही लगी कि आई एम फाइनेंशियल ऑडिटर एंड बींग अ फाइनेंशियल ऑडिटर आई एम प्राइमरली कंसर्न विद द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मुझे अब यह देखना है कि क्या ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं, मुझे उस पर रिपोर्ट करना है। अब चाइल्ड लेबर काम कर रही है, चाइल्ड लेबर की जगह पर अगर कोई आपकी मैच्योर लेबर, एडल्ट लेबर भी इस जगह पर सपोज काम कर रही होती तो उस केस में मेरा बुक्स पे क्या कनेक्शन आता। तो ये ऐसा नॉन कंप्लायंस है, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये ऐसा नॉन कंप्लायंस है जो सीधा असर तो नहीं डालता लेकिन कहीं ना कहीं नॉन कंप्लायंस तो है, नॉन कंप्लायंस है। क्या इस नॉन कंप्लायंस की वजह से, क्या इसके नॉन कंप्लायंस की वजह से कि क्या कोई ना कोई कनेक्शन बुक्स में आ सकता है, कोई ना कोई कनेक्शन तो आ सकता है। अब वो कनेक्शन क्या है, अगर चाइल्ड लेबर आपके यहां पर काम कर रही हो और चाइल्ड लेबर के काम करने की वजह से हो सकता है अगर आपकी फैक्ट्री सील हो जाए, फैक्ट्री सील हो गई, हो सकता है कि आप गोइंग कंसर्न ना रहे, तो बताइए गोइंग कंसर्न का मामला, गोइंग कंसर्न का मामला क्या सीधा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट होता है, नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो इसका आंसर में 250 एज वेल एज 570 दोनों के रेफरेंस से बच्चे बात करके आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन क्या है एक बार रीड कर लेते हैं। व्हाइल वेरीफाइंग द एम्प्लॉई रिकॉर्ड्स इन अ कंपनी इट वॉज फाउंड दैट मेजर पोर्शन ऑफ द लेबर एम्प्लॉयड वॉज चाइल्ड लेबर। ऑन क्वेश्चनिंग द मैनेजमेंट द ऑडिटर वॉज टोल्ड इट वॉज आउटसाइड हिज स्कोप ऑन दी फाइनेंशियल ऑडिट
टू लुक इन टू कंप्लायंस विद अदर लॉज। तो बोले कि आपके एरिया से बाहर है, मैनेजमेंट का कहना बिल्कुल गलत है, बिकॉज अगर कोई मुझे नॉन कंप्लायंस मिलती है मैं नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं करता, बट नॉन कंप्लायंस का क्या असर पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर मैं वो डिटरमाइन करूंगा। तो मुझे दिखाई दिया गया कोई चाइल्ड लेबर यहां पर काम कर रही है, तो चाइल्ड लेबर के काम करने की वजह से हो सकता है बेटा इस जगह पर आपकी फैक्ट्री का लाइसेंस तक कैंसिल हो जाए, और फैक्ट्री का लाइसेंस अगर कैंसिल हो गया तो गोइंग कंसर्न पे आपका इसका खतरा आ सकता है। वैसे देखते हैं इन्होंने आंसर में क्या रेफर किया, एक तो 250 की बात करी है, शायद 570 के रेफरेंस से बात नहीं करी, पर अच्छा रहेगा एग्जाम में आप 250 एज वेल एज 570 एग्जाम्पल देते हुए आप यहां पर 570 के रेफरेंस से और बातें करके आ सकते हो, बिल्कुल करके आ सकते हो। तो ये हमने सारे क्वेश्चन 250 के ऊपर बेटा यहां पर डिस्कस कर लिए। किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करना हो तो मोस्ट वेलकम बेटा कर सकता है। चाइल्ड लेबर हैज इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयरफॉर ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल करूंगा, बिकॉज नॉन कंप्लायंस है तो ठीक है सीधा बुक्स के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, बट इनडायरेक्टली बेटा कह रहे कि जुड़ तो जाता है, बिकॉज नॉन कंप्लायंस का मैं निकालूंगा क्या असर पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। और बेस्ट एग्जाम्पल यहां पर कि अगर चाइल्ड लेबर काम करती है और फैक्ट्री का लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है तो 570 के साथ आप इसका कनेक्शन एग्जाम में देकर आ सकते हो, बिल्कुल आप देकर आ सकते हो। सर ऑडिट रिपोर्ट में ये कहां लिखेंगे, तो मैं मैनेजमेंट से कहूंगा सर देखिए चाइल्ड लेबर काम करती है आपकी, और जब चाइल्ड लेबर काम करती है तो इसकी वजह से आपका फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, गोइंग कंसर्न पे थ्रेट है, मैनेजमेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर एक काम करिए आप इस बात को नोट्स टू अकाउंट्स में लिख दीजिए कि एक ऐसी इवेंट कंडीशन, अगर याद हो 570 में तीन तरह की इवेंट कंडीशन होती है, एक होती है फाइनेंशियल, एक होती है ऑपरेटिंग, एक होती है अदर, मैनेजमेंट को मैं ये वाली बात को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करने के लिए कहूंगा। फिर इस बात को नोट्स में लिख दो कि हमारे यहां पर चाइल्ड लेबर काम कर रही है, इसकी वजह से शायद इन फ्यूचर एंटिटी मे नॉट बी एबल टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, बिकॉज इसकी वजह से फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। अगर मैनेजमेंट इस वाली बात को नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर मेंशन कर देता है कि हाँ चाइल्ड लेबर काम कर रही थी जिसकी वजह से फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, गोइंग कंसर्न पे डाउट है, और गोइंग कंसर्न के डाउट वाली बात को अगर मैनेजमेंट ने नोट्स में डिस्क्लोज कर दिया तो ठीक है बेटा मैं इस पॉइंट पर फिर रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं करूंगा। लेकिन हाँ 570 में बताया गया है कि मैटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न अगर है, इस बात का डिस्क्लोजर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट के लेकर आ सकते हो अंडर दी हेडिंग मैटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। इस तरह से मामला आप रिपोर्ट में डील करके आएंगे। थैंक्स सर, ऑल क्वेश्चन क्लियर, वेलकम बच्चे। डू यू हैव अ शेड्यूल फॉर अपकमिंग क्लासेस, इफ सो प्लीज प्रोवाइड इट। बेटा मैं डेली लाइव आने का अटेम्प्ट करूंगा, 7 बजे का टाइम मेरा फिक्स है, इनकेस उस टाइम पे आप क्लास नहीं देख सकते तो ये क्लास यूट्यूब पर रहेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। जितने भी एसए हैं, सबसे पहले मैं एसए बेस केस स्टडीज को यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद शायद मैं प्रोफेशनल एथिक्स को कवर करूंगा, उसके बाद मैं टैक्स ऑडिट कवर करूंगा, जिस जिस चैप्टर पे मुझे पता है कि एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे देने के लिए जा रहा हूं। इवन की जब मैं पीई करूंगा तो मैं पीई में पहले आपको रिविजन करवाऊंगा किसी भी क्लॉज का, रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद में उससे रिलेटेड केस स्टडीज को आपके साथ डिस्कस करूंगा। पिछले 2 दिन से मैं नहीं आ पा रहा था बिकॉज कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिस वजह से वो क्लास में नहीं ले पाया था, लेकिन ट्राई ये करूंगा कि हर दिन बेटा मैं आपके पास लाइव आऊं। इसके लिए आपको बस काम करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी मैं लाइव होऊंगा तो दिन में उसका एक नोटिफिकेशन, एक लिंक तैयार हो जाता है, तो आप दिन में कभी भी 12, 1 या 2 बजे के आसपास आके चैनल में आके आप देख सकते हो कि आज के दिन मेरा 7 बजे का लाइव सेशन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। बिकॉज कई बार बच्चे 7 बजे तक वेट कर रहे होते हैं और शायद मैं उस दिन लाइव नहीं आ रहा होता, तो आप 2-3 बजे के आसपास अगर चैनल पे आके एक बार चेक कर लेंगे कि आज का मेरा लाइव क्लास शेड्यूल है या नहीं है, वो काफी काम आपके लिए आसान रहेगा, तो वो मैं डेली आऊंगा। ओके सर, टुडे वाज माय फर्स्ट क्लास। ओके, तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आज की क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मुझे लगा सर नाराज है इसलिए लाइव नहीं आ रहे। नहीं बेटा, मैं आप बच्चों से कैसे नाराज हो सकता हूं। इवन मैंने फाइनल वाले बच्चों का पेन रिलाइज कराया कि तैयारी ठीक तरीके से नहीं कर रहे, पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आता, अगर कंसेप्ट क्लियर है मेरे, चीजों पर ग्रिप मेरी अच्छी है, एग्जाम में क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। बट बच्चे की जनरल सी प्रॉब्लम ये होती है कि जहां घुमा के पूछा, चाहे इंटर में या फाइनल में, बच्चा सरेंडर कर देता है। ना, सरेंडर बेटा बिल्कुल भी नहीं करना। दैट इज व्हाई कि जितने भी पास अटेम्प्ट क्वेश्चन एसए पर पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं कि किस किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बेटा पूछे जा सकते हैं।
मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है, फिर से बोल रहा हूं, कोई भी डाउट हो बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है आपने, मैं आपके साथ खड़ा हूं। प्रॉब्लम आपको है आप प्लीज पूछिए, ना रिप्लाई करूं तो मेरी गलती है। 8178701058 8178701058 इस नंबर पे मेरे साथ आप कोई भी टॉपिक को लेकर अपने डाउट का डिस्कशन कर सकते हो। चलिए तो बच्चे आज के लिए इतना ही, कल के लाइव सेशन में एक सेकंड देख लेता हूं कि 260 में कितने केसेस हैं। मुझे नहीं लगता कि 260 में क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, तो 260 और 265 ये हम कल कवर कर लेंगे। हाँ 260 में ज्यादा कुछ नहीं है, 260 में केस बनता ही नहीं है, 260 में क्वेश्चन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो 260 कवर करेंगे और 265 ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलिए तो ट्राई करेंगे 299 भी कवर कर लें, 260, 265 एंड 299। हाँ 299 में है कवरेज अच्छी, 299 में अच्छी कवरेज है, तो 299 अगर कल के सेशन में पूरा भी नहीं कर पाए तो परसों वाली क्लास में हम 299 का रिमेनिंग पार्ट ले लेंगे। कल 260 पूरा हो जाएगा, 265 पूरा हो जाएगा, टाइम बचता है तो 299 को भी हम कल की क्लास में स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, वेलकम 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 टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो कल मिलते हैं बेटा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कीप शाइनिंग, बाय बाय।